हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वर्षा एंड अगेन आई एम हेयर विथ माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं फिर एक फेमस सॉन्ग को ट्रांसलेट करने वाली हूँ। सो सॉन्ग का नेम है रॉके बे बाय, ओके रॉक बाय, एंड दैट सॉन्ग इज़ नाउ इट इज़ रियली सो फेमस। और इस सॉन्ग के जो सिंगर हैं वो है एनी मैरे एंड सैन पॉल, ओके, एंड दिस सॉन्ग इज़ रियली मार्वलस। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने कमेंट जरूर मुझे दें, ओके। सो लेट्स गेट इनटू। सो चलिए जल्दी से अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, कॉल इट लव एंड डिवोशन, कॉल इट अ मॉम्स एडोशन फाउंडेशन, ओके। सो इस लाइन का ट्रांसलेशन ऐसे होता है, कॉल इट लव एंड डिवोशन मीन्स इसे प्यार और भक्ति बुलाओ। नेक्स्ट लाइन है, कॉल इट अ मॉम्स एडोशन मीन्स, पहले तो एडोशन का मीनिंग क्या होता है, एडोशन का मीनिंग होता है पूजा और आराधना, ओके। सो इस लाइन का मीनिंग है इसे एक माँ की पूजा कहते हैं, ओके, एंड फाउंडेशन का मतलब तो आप सभी को पता ही है, आधार। सो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम अपनी। नेक्स्ट लाइन है, अ स्पेशल वॉन्ड ऑफ क्रिएशन। देखो इस चीज़ का अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब ये है निर्माण का एक आधार, और ये लास्ट में हाँ लिखा, ओके। सो अगर मैं अपने तरीके से इसको समझाऊँ तो इस लाइन का मीनिंग है अ स्पेशल बॉन्ड ऑफ क्रिएशन, जो भगवान की बनाई हुई क्रिएशन है उसका एक स्पेशल बॉन्ड जो एक माँ और एक बच्चे के बीच होता है। अब नेक्स्ट लाइन आती है, फॉर ऑल द सिंगल मॉम्स आउट देयर, ओके। ये पूरी लाइन एक रैप है जो एक रैपर द्वारा गाई गई है। सो इस लाइन का मतलब है सभी सिंगल मॉम्स के लिए वहाँ से बाहर, गोइंग थ्रू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है हताश होना, ओके, हताशा के माध्यम से जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर रैपर्स के नेम आते हैं, क्लीन बैंडिट, सैन पॉल, एनी मैरी, ओके। सो ये लाइन पूरी ही सिंगर्स के नेम है। अब लास्ट लाइन है, सिंग मेक देम हियर। सो इस लाइन का मीनिंग है गाओ उन्हें सुनाओ, ओके। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन्स पर। अब हमारी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती है, शी वर्क्स एट नाइट बाय द वॉटर, शी इज गोना एस्ट्रे सो फार अवे। इन दोनों लाइन का मीनिंग होता है शी वर्क्स एट नाइट बाय द वाटर मीन्स वह रात में पानी से काम करती है, सी इज गोन एस्ट्रे सो फार अवे। सो पहले एस्ट्रे का मीनिंग होता है गुमराह, ओके। सो इस पूरी लाइन का मतलब है वह भटक गई है इतनी दूर। अब आगे की लाइन में वो कहती है, फ्रॉम माई फादर डॉटर, मेरे पिता की बेटी से, शी जस्ट वॉन्ट अ लाइफ फॉर हर बेबी। इस लाइन का मीनिंग है वह सिर्फ अपने बेबी के लिए जीवन चाहती है, ऑल ऑन हर ओ नो वन विल कम। इस लाइन का मतलब है सभी अपने आप से, कोई भी नहीं आएगा, ओके। शी इज गॉट टू सेव हिम, उससे बचाने के लिए मिल गया, डेली स्ट्रगल रोज का संघर्ष, डेली स्ट्रगल रोज का संघर्ष। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ओके। शी टेल्स हिम, ओ लव नो वन्स एवर गोना हर्ट यू लव, आई एम गोना गिव यू ऑल ऑफ माई लव, नोबडी इज मैटर लाइक यू, ओके। सो ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है, लाइक ये लाइन बहुत ही प्यारी है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते इसका ट्रांसलेशन करते हैं, शी टेल्स हिम ओ लव, वह उसे बताती है। अब ओ लव है जो लिखा है ना, ये एक तरीका का म्यूजिक है सिर्फ यहाँ पर प्यार के बारे में, ओके, एक म्यूजिक डाल दिया गया है। अब वो कहती है, नो वन्स एवर गोना हर्ट यू लव, कोई भी आपको कभी भी चोट नहीं पहुँचाएगा, आई एम गोना गिव यू ऑल ऑफ माई लव, मैं तुम्हें अपना सारा प्यार दूंगी, नो बडी मैटर्स लाइक यू, आप जैसा कोई मायने नहीं रखता। एंड लास्ट में बोलती हैं,
स्टे अप देयर ओके, ये रैपर के द्वारा गाया हुआ एक लिटिल बिट रैप है, वहीं रहो वहीं रहो। चलिए नेक्स्ट लाइन पर बढ़ते हम अपनी। सो हमारी नेक्स्ट लाइन है, शी टेल्स हिम योर लाइफ आंट गोना बी नथिंग लाइक माई लाइफ। ओके, देखो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो मैंने सोचा कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की वीडियो ही बना दूंगी जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम ही ना हो। सो चलिए इस दोनों लाइन का ट्रांसलेशन करते हैं। वह कहती है तुम्हारा जीवन मेरे जीवन जैसा कुछ नहीं होगा, लाइक स्ट्रेट या सीधा। अब हमारी आगे की लाइन है, योर गोना ग्रो एंड हैव अ गुड लाइफ। इस लाइन का मीनिंग है तुम ग्रो होने वाले हो और अच्छे तुम यानी लाइक अच्छा जीवन पाओगे या तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। आई एम गोना डू व्हाट आई हैव गॉट टू डू। इस लाइन का मतलब है मुझे जो करना है वह करने वाली हूँ। स्टे अप देयर वहीं रुको वहीं रहो वहीं रहो वहीं रहो। तो ये लाइन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बट अच्छे से समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके चलिए नेक्स्ट लाइन पर बढ़ते हैं हम अपनी। अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, सो रॉक यू बाय बेबी रॉक यू बाय। ओके ये एक म्यूजिक है, रॉक यू बाय बेबी रॉक यू बाय यानी म्यूजिक भी है और ये आप कह हम कह सकते कि किसी को चीयर करने के लिए ना एक चीयरी सॉन्ग भी है कि हाँ रॉक यू बाय बेबी रॉक यू बाय। ओके सो अब हम नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं, आई एम गोना रॉक यू मैं तुम्हें रॉक करने वाली हूँ। सो फिर जाता है रॉक यू बाय बेबी डोंट यू क्राई यानी बेबी रॉक यू बाय चीयरफुल रहो, डोंट यू क्राई तुम रोना मत। Somebody got you, कोई आपको मिल गया है। ओके सो रॉक यू बाय बेबी रॉक यू बाय, ये फिर उन्होंने म्यूजिक डाल दिया। नेक्स्ट लाइन में वो गाती है, आई एम गोना रॉक यू मैं तुम्हें रॉक करने वाली हूँ, रॉक यू बाय बेबी डोंट यू क्राई रॉक यू बाय बेबी तुम रोना मत। ओके ओ रॉक यू बाय, ये चियरी वर्ड है जो सिर्फ उनको चीयर करने के लिए डाला है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, अब फिर से उसी सॉन्ग को बार बार रिपीट किया गया लाइक रॉक यू बाय रॉक बाय रॉक बाय या रॉक यू बाय रॉक बाय। ओके ये एक म्यूजिक है एक प्रकार का जो सॉन्ग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमेशा डाला जाता है। सो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली है। ओके सो चलिए इसको देखते हैं क्या बोलती है लाइन, सिंगल मॉम हाउ आर यू डूइंग आउट देयर। इस लाइन का मतलब है सिंगल मॉम मतलब जिसके लाइक यू नो हस्बैंड नहीं रहता, वो खुद अपने बच्चे को पालती है, आप वहाँ कैसे कर रही हैं यानी वो कहीं जब काम करती है और उनका बच्चा होता है वो पालती हैं, सो वो कैसे कर रही हैं ये सब। नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं, फेसिंग द हार्ड लाइफ विदाउट नो फियर, बिना किसी डर के कठिन जीवन का सामना करती हो। ओके अब लास्ट में ये य डला है ना, सो ये एक प्रकार का म्यूजिक है, जस्ट सो यू नो दैट यू रियली केयर, सिर्फ आप जानती हैं जस्ट आप जानती हैं कि आप वास्तव में परवाह करती हैं। कॉज एनी ऑब्स्टिकल कम, कोई भी बाधा आती है, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा या प्रॉब्लम। ओके कोई भी बाधा आती है तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड ओ नॉट, इसका मतलब है आप अच्छी तरह से प्रिपेयर रहती हैं यानी तैयार रहते हैं ओ नॉट ओ नहीं। नेक्स्ट लाइन है, एंड नो मामा यू नेवर सी टीयर्स मीनिंग, और नहीं मामा यानी मॉम तूने कभी आंसू नहीं बहाए। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है जो है, कॉज यू हैव टू सीड थिंग्स ईयर आफ्टर ईयर। इन दोनों लाइन्स का मतलब है क्योंकि आपको साल दर साल चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, एंड यू गिव द यूथ लव और आप यूथ को तुलना से परे प्यार देती हैं, बियॉन्ड कंपेयर का मतलब है यानी ऐसा लव जो किसी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, उससे भी परे है। ओके अब नेक्स्ट वो कहती है, यू फाइंड हिज स्कूल फी एंड द बस फेयर
इसका मतलब है आपको उसकी स्कूल फीस और बस का किराया मिल जाता है। अब देखो FARE का मतलब होता है फेयर, फेयर यानी किराया। ओके सो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लाइन्स पर। अब हमारी नेक्स्ट लाइन आती है, वो कहती है नाउ शी गॉट अ 6-year-old। इसका मतलब जो उनका बेबी होता है वो 6 ईयर का हो जाता है। ट्राइंग टू कीप हिम वार्म, वो उसको गर्म रखने की हमेशा कोशिश करती है। ट्राइंग टू कीप आउट द कोल्ड, और ठंड से बचाने की। वैन ही लुक्स इन हर आइज, जब भी वो उनकी आंखों में देखती हैं, ही डोंट नो ही इज़ सेफ, वो नहीं जानती कि वो सेफ भी है कि नहीं है। सो चलिए नेक्स्ट लाइन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरी फेवरेट लाइन यहाँ पर अपेयर होती हैं, वैन शी सेज ओह लव नो वंस एवर गोना हर्ट यू लव, आई एम गोना गिव यू ऑल ऑफ माई लव, नो बडी मैटर्स लाइक यू। ओके इस लाइन का ट्रांसलेशन मैं पहले कर चुकी थी बट फिर से कर देती हूँ। सो इस लाइन का मतलब है, वो कहती हैं कि वैन शी सेज, जब भी वो कहती ओ लव ओ प्यार, नो वंस एवर गोना हर्ट यू लव, कोई भी तुम्हारे प्यार को हर्ट नहीं करेगा। आई एम गोना गिव यू ऑल ऑफ माई लव, मैं तुम्हें अपना सारा प्यार दे दूँगी। नोबडी मैटर्स लाइक यू, कोई भी तुम्हारे सिवा मेरे लिए मैटर ही नहीं करता है। अब फिर से ये सॉन्ग लाइक म्यूजिक आ जाता है, सो रॉक यू बाय बेबी रॉक यू बाय, आई एम गोना रॉक यू बाय बेबी डोंट यू क्राई, तुम रोना मत, वॉन्ट अ बैग बैग बैग, ये सब म्यूजिक है। ओके पूरी लाइन म्यूजिक ही है। सो अब मैं इस सॉन्ग को यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग सॉन्ग है और मुझे मालूम है आप सभी लोगों की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने की। सो अगर नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे कि हाँ आपको और इसी सॉन्ग के बारे में और जानना है, सो डेफिनेटली आई विल डू माई बेस्ट। और अगर आप लोगों को मेरी ये चीज़ अच्छी लग रही है ट्रांसलेशन करना, सो प्लीज़ कमेंट मी। ओके सो आई विल डू माई बेस्ट। सो बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो वी विल मीट नेक्स्ट डे।